कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वही डिडक्शन का, जो हम डिडक्शंस हमारे एक्सप्रेसली अलाउड हैं, यानी वो एक्सपेंसेस जो हम लेस कर सकते हैं, राइट। तो सेवन्थ पॉइंट में आ जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है टू ऑब्टेन ए लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, जबकि लास्ट वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अलाउड होता ही नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में कैपिटल के एक्सपेंडिचर अलाउड होता है, ठीक है। तो अब ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेटेड। अगर आपको लाइसेंस मिला हुआ है और उस लाइसेंस मिला हुआ नहीं है, उस लाइसेंस को अगर आपने ख़रीदना है, लाइसेंस के लिए फ़ीस जमा कराते हैं ना हम, तो लाइसेंस को बाय करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अब उस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको ऐसा नहीं है कि 100% एक ही बार में मिल जाएगी, नो, ये आपको थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। और ये इंस्टॉलमेंट में कैसे मिलेगी कि जितने साल का आपको लाइसेंस मिला है ना, उतने साल में इसको डिवाइड कर देंगे इस अमाउंट को। जैसे 1 लाख रुपए की फीस दी है आपने, तो आप इसको 10-10 हज़ार की 10 किस्तों में बांटोगे, ठीक है। और वो आपको कब से स्टार्ट होगी, वो है इंपॉर्टेंट चीज़। अब यहाँ पर दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो बिजनेस स्टार्ट कब हुआ और एक फीस कब पे की। अगर आपने फीस पहले पे की और बिजनेस बाद में स्टार्ट हुआ, ध्यान देना, अगर फीस पहले पे कर दी, बिज़नेस बाद में स्टार्ट हुआ, तो जिस साल से बिज़नेस स्टार्ट होगा उस साल से आपकी जो है ये 10 किस्तें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। और मान लीजिए अगर फ़ीस आपने बाद में पे की है, बिज़नेस पहले स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो फीस और बिज़नेस के बीच में जितने साल होंगे ना, जितने ईयर्स होंगे, वो उसमें से लेस कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने फ़ीस पे की है 2 साल के बाद, बिज़नेस मैंने 2 साल पहले स्टार्ट कर दिया था, फ़ीस मैंने 2 साल के बाद पे की है, तो किस्तें यहाँ 10 की बजाय 8 बनेंगी। किस्तें यहाँ 10 की बजाय 8 बनेगी, ये ध्यान में रखना, वो उतनी किस्तें कम हो जाएंगी। अगर आपने फ़ीस पहले पे की है, बिज़नेस बाद में स्टार्ट किया है, तो किस्तें आपको पूरी मिलेंगी डिडक्शन के लिए और बिज़नेस स्टार्ट होने वाले ईयर से मिलेगी। और अगर आपने बिज़नेस पहले स्टार्ट कर दिया है, फ़ीस बाद में पे की है, तो आपको जो है इंस्टॉलमेंट कम कर दी जाएंगी, और जितनी इंस्टॉलमेंट आपकी दो साल या 1 साल का जो गैप है ना, वो उतनी कम करके आपको उसी ईयर से मिलना स्टार्ट हो जाएगी जिस साल से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है। इस क्वेश्चन से आपको हम आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। एक्स लिमिटेड है, एंगेज है इन प्रोवाइडिंग टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया, राइट। इस पर्पज़ के लिए इसने एक एग्रीमेंट है 1/4/18 को डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है जी, 1/4/18 को किया है। एग्रीमेंट के हिसाब से एक्स लिमिटेड इज गिवन ए लाइसेंस फॉर प्रोवाइडिंग टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज इन एमपी स्टेट फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। एक्स लिमिटेड ने एग्रीमेंट के आधार पर 10 साल का एक लाइसेंस ले लिया है स्टेट गवर्नमेंट से, 1/4/18 को उसको लाइसेंस मिल गया, ठीक है। लाइसेंस फीस जो है 18 लाख रुपए डिसाइड हुई है, और वो 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। यहाँ तो क्वेश्चन में और भी एक नया पॉइंट डाल दिया कि फीस भी इकट्ठी पे नहीं की उसने, 2 इंस्टॉलमेंट में पे की। एक फीस पे की उसने 10/4/18 को, और दूसरी पे की 10/4/19 को, यानी कि 10 अप्रैल 2018 और 10 अप्रैल 2019 को पे की, ठीक है। फीस अलग अलग करके 9-9 लाख करके उसने इस तरीके से पे की है। एज्यूमिंग दैट द 2 इंस्टॉलमेंट्स आर पेड बाई एक्स लिमिटेड, ये मान लिया कि उसने अपने अपने टाइम पर इंस्टॉलमेंट पे कर दी, आपको बताना है कि इस सेक्शन के अंतर्गत उसको डिडक्शन कब से क्या क्या मिलेगी। आपका प्रीवियस ईयर है 1920, बिजनेस स्टार्ट होता है हमारा 1819 में, बिजनेस स्टार्ट हुआ 1819 में, ठीक है। अब हमने पहली फीस कहाँ कब पे की, ये देखो 10/4/18 को पे की, 10/4/18 मेरा कौन से ईयर में आ रहा है, 1819 में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहला आपने फीस पहले केस में जो पहली इंस्टॉलमेंट पे की है वो तो उसी साल पे की है जिस साल बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, अगली फीस पे की है, बिज़नेस पहले स्टार्ट हो गया, फीस आपने अगले साल यानी 1920 में पे की है, तो पहले जो 9 लाख है उसकी किस्तें 10 बनेंगी, मैंने बताया 10 किस्तें बनेंगी 90-90 हज़ार की, ठीक है। इसको मैं क्या करूँ,
इसको मैं 1920 से स्टार्ट करके, मतलब 1920 प्रीवियस ईयर से 90,000 की पहले डिडक्शन आपको मिल जाएगी और 10 सालों तक मिलेगी। अगला जो 9 लाख है वो आपने एक साल बाद पे किया है, बिजनेस एक साल पहले स्टार्ट कर दिया है, तो वो एक साल का गैप जो हो गया ना उसको 10 में से माइनस कर दो, यानी 9 किस्तें हो गई। अब हम अगले फीस को 9 लाख को 9 से डिवाइड करेंगे और ये किस्त बनेगी हमारी 1 लाख की। इस 1 लाख को भी और इस 90,000 को भी आपने देना कब से स्टार्ट करना है, 1920 से, ठीक है जी। तो हमारी इस साल की डिडक्शन जो बनेगी 1,90,000 बनेगी, राइट। ये बात हो गई क्लियर। अगली डिडक्शन की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। अब ये क्या चीज़ है, स्पेसिफाइड बिजनेस जो एक डिफरेंट कैटेगरी के बिजनेस होते हैं, इस इन बिज़नेस को नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, लेकिन इनको कुछ स्पेशल एक तरह से यूं लगा लो कि प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो ध्यान देना ये कौन सी डिडक्शन है, स्पेशल जो आपकी स्पेसिफिक बिजनेस है उसके लिए है। आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है कैपिटल नेचर का इस बिज़नेस के लिए, लेकिन वो एक्सपेंडिचर जो है लैंड का नहीं होना चाहिए और कोई गुडविल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए और कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आपको सारी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन एकदम नहीं मिलेगी एक झटके में, एक सेकेंड, हाँ ये आपको 100% ही मिल जाएगी। ये डिडक्शन आपको 100% एक ही बार में मिल जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिया किसी तरह का नहीं होना चाहिए, और अगर आपने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है अगर आपका 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो याद रखना कैश में नहीं करना है, अकाउंट पे चेक से, ड्राफ्ट से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना है, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। एक्सपेंडिचर जो है वो कब होना चाहिए, जिस जब बिज़नेस स्टार्ट करो उससे पहले आपने खर्च करना है, और इस अमाउंट को आपकी बुक्स में बिज़नेस शुरू करने वाले ईयर से दिखाना है। फिर से बता रही हूँ, एक्सपेंडिचर जो करना है आपको वो तो बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले करना है, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशंस, लेकिन अमाउंट जो कैपिटलाइज करेंगे वो बिज़नेस जब आप स्टार्ट करेंगे उस साल से ही उसमें दिखाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस डिडक्शन को मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया है क्योंकि मुझे लगा कि जितनी ज़रूरत है उतना ही किया जाए। तो 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ओके। और ध्यान रखना इसमें एक आपको अकाउंट्स को ऑडिट और करवाना पड़ेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिना ऑडिट के आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन मना भी हो सकती है, नॉन डिडक्शन, वो कहता है कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको किसी और सेक्शन में, मतलब अगर आपको यहाँ पर इस खर्चे की 100% डिडक्शन मिल गई है देन आप इस खर्चे की डिडक्शन कहीं और डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं ना। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, यानी इस खर्चे को अगर आप पूरा नहीं निकाल पाए तो उसको अनअब्सॉर्ब्ड मानकर आगे आने वाले सालों में, अगले आगे आने वाले ईयर्स में स्पेसिफाइड बिजनेस से ही माइनस कर सकते हो, ठीक है। इसको हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। फिर आता है पेमेंट टू रूरल डेवलपमेंट फंड, ये थोड़ी छोटी छोटी सी डिडक्शन हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं। रूरल डेवलपमेंट जो फंड्स हैं, अगर आपने कोई रूरल डेवलपमेंट फंड है, नाम बता रखा है नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट और नेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, ये फंड्स के नाम है, ये अप्रूव्ड फंड है सरकार के द्वारा, इसमें अगर आप कोई पैसे देते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। फिर आ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम, इसमें भी यही है कि अगर कोई भी एसएससी एग्रीकल्चर के लिए कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई किसी प्रोजेक्ट में पैसा दे रहा है तो उसको 150% की डिडक्शन मिल जाएगी, पहले में 100 थी अब 150 की हो गई, ये नाम आपको थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर आप किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कोई डिडक्शन देते हैं, लेकिन ये बंदा कौन है, ये एसएससी नहीं है, कोई एसएससी नहीं है, खाली कंपनी होनी चाहिए, अगर कंपनी ऐसा कोई खर्चा करती है लेकिन वो खर्चा लैंड पे या बिल्डिंग पे नहीं होना चाहिए तो आपको 100% डिडक्शन ना सॉरी 150% डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है जी। फिर कह रहा है अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कभी कभी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चे करने पड़ते हैं जिन्हें हम प्रारंभिक या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, चाहे वो खर्चा कंपनी कर रही हो या कोई भी और असेसी कर रहा हो, लेकिन असेसी जो है वो इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, तो आपको उस खर्चे को एक झटके में नहीं दिखाना है, उसको 5 बराबर इंस्टॉलमेंट में डालना है, और जिस साल आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो उस साल से जो है उस साल से तो जिस साल आपका बिजनेस कमेंस होगा यानी स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उस साल से आपको ये डिडक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और
पांच बराबर किस्तों में मिलेगी। ठीक है, अब ये खर्चे किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, कोई मार्केट सर्वे करना है, और कंपनी के केस में अगर मान लीजिए आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करना है, उसकी प्रिंटिंग करवानी है, शेयर सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, अंडर राइटिंग कमीशन का कोई एक्सपेंसिस है, एडवर्टीजमेंट का कोई एक्सपेंसिस है, ये सारे एक्सपेंसिस जो हैं वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस कहलाते हैं। तो इसको 100% नहीं बल्कि पाँच किस्तों में बांट कर और प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाले ईयर से करना है आपको स्टार्ट। ठीक है, और ये जो खर्चा है आपका, इसकी एक लिमिट भी है, ये आपके उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट के 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर कंपनी के केस में है तो कंपनी में जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उसके 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंपनी के पास ऑप्शन है, दोनों में से एक भी ऑप्शन चूज कर सकती है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर फॉर अमलगमेशन और डीमर्जर ऑफ एन अंडरटेकिंग। अगर किसी कंपनी का या किसी संस्था का जो है मर्जर हो जाता है तो उसके लिए जो खर्चे आते हैं, जो खर्च होता है उसको भी पांच बराबर किस्तों में जिस साल जो है अमलगमेशन हुआ है उस साल से आपको देना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर कोई एम्प्लॉई वीआरएस ले रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, तो जो असेसी है उसको कॉम्पनसेशन या उसका जो भी खर्चा है, उसके रिटायरमेंट की जो पैसा देगा है, उसकी भी आपको 1/5 यानी पांच बराबर किस्तों में डिडक्शन मिल जाएगी इस खर्चे की, जिस साल वो खर्चा आपने किया है उस साल से आपको उसकी पाँच बराबर किस्तों में डिडक्शन मिलेगी। अब ये जो आपने अभी भी देखा अमल कमीशन के केस में या डी मर्जर के केस में, तो जिसमें अमल कमीशन होता है ना, यानी कि एक तो कंपनी ख़त्म हो जाती है और एक कंपनी क्रिएट हो जाती है, तो जो नई क्रिएट हुई है उसको ये डिडक्शन का राइट होगा, यानी रिजल्टिंग कंपनी को डिडक्शन का राइट होगा, जो कंपनी ख़त्म हो चुकी है उसको नहीं है ये राइट। लास्ट जो है 15 पे एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मिनरल्स। कुछ मिनरल्स हैं या कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए आप कोई काम कर रहे हो, वो इंडियन कंपनी भी हो सकती है और कोई भी पर्सन हो सकता है, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। मिनरल्स वगैरह के या नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो या उनके डेवलपमेंट के लिए कोई काम कर रहे हैं, देन आपको उस खर्च का 1/10, ध्यान रखना इसमें 1/10 है, यानी 10 बराबर किस्तों में इंस्टॉलमेंट में आप बांटेंगे, और जिस साल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उस साल से आप देना डिडक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, और इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की डिडक्शंस देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।